वो बच्चा मेरा था, अब मैंने उसे अबॉर्ट कर दिया। आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं? तुम पागल हो गई हो नताशा। तुम्हें इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुमने किया है कितना गलत किया है। जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा था ना, उसके आने की खुशी मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पे देखी और तुम मुझे कह रही हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जितना वो तुम्हारे करीब था ना, उतना ही वो हम सबसे भी जुड़ा हुआ था। और तुम्हारे इस हरकत के बाद तो मुझे लग रहा है कि वो हम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। तुम्हें जो करना है करो। तुम नहीं बताना चाहती कार्तिक को, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं मिस्टर कपूर को ये बात बताऊंगी। अंडरस्टैंड? ठीक, आपको भाई को बताना है ना? चाहे जो बताना है बता दीजिए, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो और आप मुंह के बल गिरे, क्योंकि भाई आपसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उनकी बीवी होकर भी ना होने के बराबर हैं, और आज भी उन पर आपसे ज्यादा मेरा। जो मैं चाहूंगी वो वही जानेंगे और वही समझेंगे। आप यहां कैसे? वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास आ गई। नताशा को देखा तो सोचा मिलती हुई चलो। दी, आज हम नताशा का सोनोग्राफी टेस्ट कराने आए हैं। आज पहली बार मैं सोनोग्राफी मशीन से अपने होने वाले बच्चे को देखूंगा। आई एम सो एक्साइटेड। कार्तिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। अरे देखो क्या हो गया। मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक आपको अंदर बुला रहे हैं। या। चाहती तो हूँ कि मिस्टर कपूर को नताशा के अबॉर्शन के बारे में सब कुछ बता दूँ, लेकिन कैसे कहूँ? पता नहीं वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तुम्हारे आने की खबर सुनते ही अभी से तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगा। ये खबर सुनते ही तुमने इन दोनों परिवार को अगर इतनी खुशी दी है तो जरा सोचो, तुम जब वाकई आओगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों परिवारों का। और मेरी छोटी, उसकी तो जिंदगी ही बदलने वाली। देखिए, मैंने आपको इसलिए आज यहाँ पर यहाँ बुलाया है और ये सब दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया है क्योंकि ये छोटी का पहला बच्चा है और रीत के मुताबिक पहले बच्चे की डिलीवरी मायके में होती है, मतलब यहाँ। ओह गॉड, मिस्टर कपूर ने तो बच्चे के आने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कितने खुश हैं। अब मैं कैसे कहूँ इन्हें कि अजीब दुविधा में फंस गई हूँ मैं। बच्चे के आने की खुशखबरी भी मैंने ही दे दी और अब अबॉर्शन की खबर भी। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है इन्हें सच बताने की। तो मैंने सोचा कि निहारिका मैडम का जो कमरा है उसके बगल में जो कमरा है वो खाली है, तो वहां मैं बेबी रूम बनाना चाहता हूँ। So that's the thought. सॉरी, ये सब जो आप दिखा रहे हैं ये सारे बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स डू सम मिक्स एंड मैचिंग। लाइक आई लव दिस बेड, इसको डेफिनेटली हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन जैसे ये जो ये किताबें हैं, इंस्टेड ऑफ दैट ऊपर से लेकर नीचे तक कार्टून से दीवार भर देते, यू नो, लाइक मिकी माउस, मिनी माउस। और हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्ट टॉयज।
But tell me, मेरी planning कैसे लग रही है? मतलब अच्छा लगेगा? What do you think? Mrs. Kapoor, ये देखिए, बच्चे के कमरे के लिए सर ने कुछ designs finalize किए हैं। अगर आप भी ने एक बार देखकर अपनी राय दे दें तो अच्छे, बहुत अच्छे। देखा, मैंने कहा था ना यार, सबको पसंद आएगा। Thank you. ठीक है, let's carry on. What do you think of this? जो बताना है बता दीजिए, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब होगी, क्योंकि भाई आपसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उनकी बीवी होकर भी ना होने के बराबर हैं, और आज भी उन पर आपसे ज्यादा मेरा हक है। अगर प्रियादी ने अबॉर्शन वाली बात भाई को बता दी तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रियादी कोई आयशा तो है नहीं जिसे डरा धमकाकर या किसी चीज का लालच देकर चुप किया जा सके। वो जरूर बताएंगी, पहले भाई को, फिर मेरे घर वालों को, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। इससे पहले कि प्रियादी कुछ करे, मुझे खुद ही ये बात मेरे घर वालों को बतानी होगी। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी जिसने नताशा को इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए लेने पे मजबूर कर दिया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ मिस्टर कपूर बच्चे को लेकर इतने एक्साइटेड है, और दूसरी तरफ नताशा का ये पागलपन। करूं तो क्या करूं? कृषि जी को आने दो, उन्हीं से पूछती हूँ, शायद वो मेरी इस प्रॉब्लम का भी कोई सलूशन निकाल दे। मोहन, कृष्णा जी का लेक्चर खत्म हो गया क्या? आज उनका लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, वो तो कब की जा भी चुकी। अरे लेकिन उनका उनका बैग, उनका सामान सब यही रखा हुआ है। अरे हाँ, शायद वो इसे यहीं पे भूल गई है। ऐसे कैसे भूल सकती? एक काम करो, तुम ऑफिस का रजिस्टर लेके आओ, मैं उन्हें फोन करके बता दी। जी अभी लगता हूँ। कृष्णा जी अपना बैग यहाँ भूल गए और ऐसे खुला हुआ छोड़ा। ये तो राम और लाला जी की तस्वीर है, तो फिर ये कृष्णा जी के बैग में क्या कर रही है? ये तस्वीर मैंने पहले कभी देखी है। ठीक है, मैं देख लूंगी। थैंक यू। कृष्णा कपूर, ओह गॉड, फोन भी बंद किया हुआ है। पता नहीं कृष्णा जी कहाँ है, और ये तस्वीर उनके पास, कृष्णा जी का इस तस्वीर से क्या कनेक्शन हो सकता है? एक काम करती हूँ, मैं उनके घर जाकर उनसे सीधे इस बारे में बात करती हूँ। सेवन जीरो टू से।
जी हाँ बोलिए। वो 702 मिसेस कृष्णा कपूर, उनके यहाँ जाना है। हाँ वही ना जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया में रहती है? हाँ टीचर है। हाँ हाँ टीचर है, उन्हीं से मिलना है। लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा वो एक्चुअली उनका बैग शायद इंस्टीट्यूट में उन्होंने गलती से छोड़ दिया, वही लौटाने आई थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो ये बैग मैं अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। आप उनसे कह दीजिएगा कि प्रिया कपूर के पास है, मैं उनके साथ ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ। ध्यान से लिख लीजिएगा, प्रिया कपूर। जी जी। प्रिया नाम की मैडम आई थी, कृष्णा जी को पूछ रही थी। क्या सोचा क्या था तुमने? ऐसे ही अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओगी, मेरे पति के बारे में दो चार बातें कहोगी और मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? हो कौन तुम जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मुझे अपने पति के बारे में तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें अपने अतीत के बारे में मुझे बताना होगा तो वो खुद बताएंगे, उसके बारे में मैं उनसे सुनूंगी, तुमसे नहीं। ये लो, जाके उसे ये दिखाना। क्या है ये? कंगन। जब राम इनको देखेगा तो उसकी आंखों में अपने आप गिल्ट आ जाएगी। मैं इसे ले जाती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती हूँ। यहाँ आई थी? लगाने के लिए कह दो। हाँ कह दो, मैं जरा बेशुक। मिस्टर कपूर, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। आप किसी कृष्णा कपूर को जानते हैं? नहीं। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए ना, वो ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर है। मैंने कहा ना नहीं जानता। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर कपूर। इसमें अगर आप उन्हें जानते नहीं हैं तो ये तस्वीर उनके बैग में कैसे आई? ओके मैं जानता हूं, ओके बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एनीमोर। और इस औरत से जितना दूर तुम रह सकती हो ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आउच। क्या हुआ? आयो ओके? क्या हुआ आपको मिस्टर कपूर? आप ठीक तो है ना? ये चेस्ट पेन। वेट, मैं पानी लेके। सॉरी मैं आपको परेशान नहीं कर रही। अरे नहीं जी, पर हार्ट अटैक नहीं हो रहा है मुझे, आई एम जस्ट गेटिंग सम चेस्ट पेन, डोंट ओवर रिएक्ट प्लीज। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। स्टॉप इट प्लीज, ये ड्रामा बंद करो यार तुम। आई एम फाइन। एक्यूप्रेशर करूं मैं उसे रिलीफ? स्टॉप इट। ओके मैं डॉक्टर को फोन करती हूं। मैं कर रहा हूं।
मैं नीचे से किसी को बुला के। स्टॉप इट यार प्लीज। हेलो डॉक्टर, यस राम कपूर। मुझे अचानक जरा चेस्ट पेन हो रहे हैं। नहीं जस्ट बस एक मिनट पहले, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। नहीं नहीं पसीना वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। आ रही आ रही बस। नो पेन ऑन द लेफ्ट आर्म। अभी ओके जी जी जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मेरे कान का ड्रामा बंद करो। आई एम फाइन, मैं चले जाऊंगा। अरे बट ओ गॉड, यू सच एन इडियट। मिस्टर कपूर को तकलीफ ना हो इसलिए वो नताशा के अबॉर्शन की बात उन्हें नहीं बताए और बेवकूफों की जैसे ये फोटोग्राफ दिखा दी। हाँ ओके मैं जानता हूँ ओके, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एनीमोर। और इस औरत से जितना दूर तुम रह सकती हो ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।